स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज मैं हूँ न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी सिटी ऑकलैंड, पर ये कैपिटल नहीं है यहाँ की। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। हाँ, वेलिंगटन है कैपिटल। मैं आ गया था न्यूजीलैंड 2 दिन पहले और मेरे साथ परमवीर भी आ गया था, तो हमने सोचा न्यूजीलैंड साथ घूमते हैं, क्योंकि हमने वीज़ा पिछले साल साथ अप्लाई करा था जब हम पैसिफिक कंट्रीज आए थे ना, कि भाई ट्रांजिट करना पड़ जाए तो न्यूजीलैंड का वीज़ा काम आ जाएगा। पर न्यूजीलैंड का वीज़ा हमारा अप्रूव ही तब हुआ जब हम पूरे पैसिफिक कंट्रीज घूम के अमेरिका पहुंच गए दोनों, तब उस दिन अप्रूव हो के आया था। परमवीर का शायद 26 जून को अप्रूव हुआ था और मेरा 29 जून को हुआ था जब हम अमेरिका पहुंच गए थे। तो एक साल की वैलिडिटी मिलती है मल्टीपल एंट्रीज के साथ। तो अभी चल रहा है, आज है 20 जून, तो हमने सोचा यार वीज़ा तो एक्सपायर ही होने वाला है, ये इससे अच्छा इसको यूज़ ही कर लेते हैं। तो हम 18 जून को हमने एंट्री करी, तो परमवीर ने इमिग्रेशन वाले से पूछ लिया, वीज़ा में भी लिखा था कि हर एंट्री पे आप 6 महीने रुक सकते हो, तो इमिग्रेशन वाला बोला आप दिसंबर तक रुक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो मतलब एक तरह से वीज़ा 1.5 साल का ही मिलता है। मिल गए क्या पार्किंग? अच्छा, तो आज हमारा प्लान था यहाँ से कैंपर वैन उठाने का एयरपोर्ट के पास से, तो अभी तो हम बस वगैरह से जाते, पर कल रात को अर्पित भाई ले लूँ वीडियो में, तो कल अर्पित भाई का ना मेल आ गया था मेरे पास कि भाई मिलना है। हमने कहा यार हम तो जा रहे हैं ऑकलैंड से कल, तो कैसे मिलें, तो मैंने कहा एयरपोर्ट तक जाना है। तो आप यहीं पे रहते हो? हाँ, मैं ही एरिया में। नहीं नहीं, मैं रहता हूँ ब्लॉक हाउस एरिया में। कितना दूर है यहाँ पे? यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर है। अच्छा, 15 किलोमीटर। तो आते आते अराउंड 40-45 मिनट्स लग गए मेरे को यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो यार अब दूर से आ गए, बता देते, कोई नहीं एयरपोर्ट ही मिल लेता। तो काम एयरपोर्ट ही है ना? हम एयरपोर्ट के बाजू में ही काम करते हैं। कितने बजे आपका काम होता? मेरा 8:30 काम चालू होता है। 8:30 होता है? तो भाई अभी तो 9:30 हो जाएंगे जाते जाते। कोई नहीं भाई, मैंने उनको बोला कि मैं लेट आऊँगा आज। अच्छा, तो भाई हमको एयरपोर्ट से कैंपर वैन पिकअप करनी थी, तो अर्पित भाई बोले चलो मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ दूंगा, जाते जाते बातें कर लेंगे। चलो चलते हैं। सुबह के बज रहे हैं लगभग, ये मान लो 9। चले भाई अर्पित भाई, चलो हाँ। बस परमवीर आ रहा है 5 मिनट में। भाई यहाँ पहुंच गए हम ऑफिस जूसी के, जहाँ से हमने कैंपर वैन रेंट करी। देखो यहाँ पे कितनी कैंपर वैन खड़ी है ना। तो अर्पित भाई का ऑफिस इसके पास ही 1 किलोमीटर, तो सही हो गया। चलो अर्पित भाई, थैंक यू सो मच यार, आपने टाइम निकाला। अब मिलते हैं आखिरी दिन। थैंक यू भाई, आप भी यहाँ से निकलो, है ना। भाई यहाँ पे न्यूजीलैंड में अपना लाइसेंस चल जाता है इंडियन, तो दोनों लाइसेंस वहाँ रखे हैं। और पूरे न्यूजीलैंड में भाई आप क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन करोगे ना, तो 2.2% एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो डेबिट कार्ड से कर दूँ? तो भाई लिखा तो क्रेडिट कार्ड है। इनकी ज़िंदगी में ना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड एक ही चीज़ रहती हैं इन लोगों की, में पूछ लेंगे डेबिट कार्ड से कर देते हैं। भाई यहाँ आ गए इनके वेयर हाउस में, अब देखो कौन सी आरवी देते हैं हमको ये। भाई तो बहुत ही बहुत बड़ी ले ली भाई हमने ये। भाई यहाँ पे तो बहुत भड़क वाली बात हो गई। ये कहते आप हर किलोमीटर जो चलाओगे ना न्यूजीलैंड में डीजल गाड़ी, उस पर $82 के सेंट देने पड़ेंगे। $1 मान लो, $1 per kilometer, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और हम चलाएंगे लगभग 3,500-3,000। भाई $3,500 तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ जाएगा यार, हमको क्यों दें हम इस चीज़ को? डीजल भी हम अपने पैसों का ही भरवाएंगे, तो यार न्यूजीलैंड में फिर तो कोई चलाएगा ही क्यों डीजल वाली गाड़ी। तो भाई पता नहीं अब क्या होएगा, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। सुबह सुबह $2,500 की रेंट करी, $3,500 टैक्स दे दो, क्या मतलब है भाई इस चीज़ का? न्यूजीलैंड की सरकार बेवकूफ़ है क्या थोड़ी? भाई अभी पता चला जो 80 सेंट मैंने आपको बताया था ना वीडियो में, वो 80 नहीं है। ये कहती यार आपको तो $240 लगेंगे। हमने कहा कैसे भाई? तो कहती 0.08 है, मतलब 8 सेंट per kilometer। तो चलते हैं भाई अब तो। तो भाई ये था 8 सेंट per kilometer लगेंगे, पर इस लड़की ने ऐसे बोला कि 0.82 सेंट बोल दिया उसने। अब मतलब 10 गुना कम हो जाएगा हमारा टैक्स। तो हमने कहा वापिस आरवी में चलते हैं। भाई हमने भी कहा यार न्यूजीलैंड की सरकार कैसी पागल है, $1 per kilometer टैक्स ले लो, तुम्हें डीजल भी भरवाएंगे। अभी तो 1 लाख का डीजल तो भरवाना ही पड़ेगा।
चल कोई नहीं, अगर मतलब पेट्रोल गाड़ी होगी तो उसमें टैक्स वैक्स नहीं लगता, सिर्फ डीजल पे। अब इनसे लेते हैं चाबी और चलते हैं। यहाँ कर दी गाड़ी स्टार्ट हमने तो, पर पेट्रोल का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को लग रहा है बत्तियां जलेंगी भाई, इसमें है ही नहीं बिल्कुल भी। नीचे वाली ना बत्ती थोड़ी हाईलाइट सी हो जाएंगी, मेरे को लग रहा है इसमें है ही नहीं पेट्रोल। क्या पता फुल ऑलरेडी हाईलाइटेड हो, ये क्या पता वाइट ही हाईलाइटेड हो। चल एक काम करते हैं, पहले ही पेट्रोल पंप पे रोक लियो भाई, क्योंकि डीजल का तो खत्म हो जाता है, फिर स्टार्ट भी नहीं होती गाड़ी, पूरे हवा खींच लेता है वो। चलें? चल भाई, शीशे वगैरह एक बार सब पीछे का दिखेगा क्या इसमें? हाँ ये रहा ना शीशा, इसमें भी है। चल ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा। एसी ठंड क्यों कर रखी है? मैंने तो हाई कर रखा है अपना, ये वो कर देना हाई, मतलब गरम। ठीक है चल भाई, अभी हम जा रहे हैं ईशान भाई के घर, वहाँ खाना वाना खाएंगे और फिर निकलेंगे आराम से। भाई पहले तूने पार्किंग से निकाली, इनके कैसा लगा? निकाल के मैं 50 मीटर आगे चल पड़ा, पीछे देखा तो आधी गाड़ी तो पार्किंग में ही खड़ी थी। इतनी लंबी है भाई, अब अपन बाहर है, गाड़ी लेकिन आधी अंदर है। भाई इसको अपनी अल्टो की तरह मत काटियो, इस तरफ ले ले, यहाँ तो एंड है। तो भाई अब हम निकल चुके हैं, ऑकलैंड हैमिल्टन हाईवे पे है, ये MTV लिखा है, क्या है मल्टी वे पता नहीं क्या है। तो भाई पहले एप्पल मैप यूज करा है, गूगल मैप, अभी ये मर्सिडीज मैप है अलग, पूरा टच स्क्रीन सिस्टम है भाई, है तो बिल्कुल मर्सिडीज की गाड़ी जैसे होता है सारा सिस्टम। ये मैं आपको एक इससे पहले वाली वीडियो में आप देख चुके होंगे। तो अभी जा रहे हैं हम ईशान भाई के घर जा रहे हैं, 30-40 किलोमीटर था ऑकलैंड से साउथ की तरफ उनका घर। तो यहाँ पे 80 आ गई जैसे ना स्पीड, तो यहाँ सब लोग 80 कर लेंगे। भाई अभी थोड़ी रोडो वोडो का पता नहीं चल रहा था, तो हम तो पता नहीं कहाँ घुस गए, किसी मोहल्ले में घुस गए। ओ चढ़ा दी क्या? भाई यहाँ हम पहुँच गए अराउंड ऑकलैंड से 30-35 किलोमीटर दूर, ईशान भाई के घर आ गए थे। और यहाँ पार्क कर यार, बहुत ही बढ़िया है यार चलाने में ये, मैं बताऊँ 70 भाई की होगी यहाँ से लेकर शायद यहाँ तक होगी। ये सब एक्स्ट्रा है, इसके टायर भी एक्स्ट्रा हैं। चलो ये सब तो बाद में दिखाऊंगा, अभी चलते हैं यहाँ पे खाना वाना खाते हैं कुछ। ये है भाई गांव का एरिया न्यूजीलैंड में। ये बिल्ली तो उसे पीछा कर रही है हमारा, रुक जा भाई। चलो अंदर चलते हैं। चलो भाई ये आ गए थे ईशान भाई के घर, ये मतलब वहाँ से गेट ऐसे होते हैं, मतलब US कनाडा वगैरह में जाओगे तो थोड़ा, ये शहर थोड़ा पहाड़ी पे बसा हुआ है तो थोड़ा ऊपर नीचे सा है। ये गाड़ी है, ये गैराज है अंदर। चलो आ जाओ। ये ईशान भाई ने बना दिया भाई शकरकंदी, उसके बाद नाचो सालसा और चाय, ये भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, फिर बाल बाल कटवा के आने हैं, पर अमित जिम जाएगा और हम थोड़ी शॉपिंग करके यहाँ से चलेंगे। फिर ये घर देख लो भाई, न्यूजीलैंड कैसे होते हैं। चलो भाई परमवीर को जाना है जिम करने और मेरे को जाना है बाल कटवाने, तो भाई को भी जाना है जिम करने, मेरे को करते हैं, मैं नाई के चला जाता हूं, हाँ। तो जिम चला जा बाल कटवाने। ठीक है सही आइडिया है। तो भाई यहाँ पे मेरे को छोड़ के चले गए थे परमवीर और ईशान भाई। ये यहाँ की कोई मार्केट है, इनके सबर्ब कहते हैं इनको, मतलब शहर गांव से बड़ा और शहर से छोटा, तो सबर्ब सा कह देते हैं सारी दुकानें वगैरह यहाँ पे। ये वाली दुकान थी जहाँ पे बाल कटवाए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई रेट है $30 है, यहाँ पे लिख रखा अंदर लिखा है $30 इसका, और $65 है भाई कलर कराने का। तो अब कुछ मैं ऐसा दिखने लग रहा हूँ, और ये जैकेट जो है यहीं की कंपनी है, काठमांडू शायद न्यूजीलैंड की कंपनी है, वैसे नाम काठमांडू रख रखा है इन्होंने। ये ईशान भाई को छोटी आ गई थी शायद, तो कल परसों मैं जैकेट ही ढूंढ रहा था, तो उन्होंने बोला मेरे पास एक छोटी पड़ी आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ करनी है तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। परमवीर वगैरह को शायद 20 मिनट और जिम करनी है, तो मैं यहाँ से फ्री हो गया, अब यहाँ से कुछ खरीदेंगे थोड़ा बहुत और फिर अपने सफ़र पे आगे निकलेंगे। तो भाई अभी आ गए थे जान भाई भी जिम वगैरह करके, और यहाँ आ गए हम इंडियन स्टोर पे, यहाँ पे हम स्नैक्स टाइप ही ले रहे हैं अभी की, जो पूरे टूर में कभी भी उठा के खा लो भूख से जब लगी हो, मन सा कर रहा हो, और जो अंडे ब्रेड वगैरह हैं वो कल लेंगे हम, अभी समझ में नहीं आ रहा कुछ भाई। ये वाला सेक्शन देखो सारी आलू भुजिया, और सारी $2-2 की हैं, इतनी कोई महंगी भी नहीं है मैं कहूँगा, मतलब अमेरिका का $1 मान लो उस हिसाब से मिल रही है। ये सारा, हाँ, स्नैक्स
स्नैक नहीं है वो। तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है इंडिया सामान ज्यादा है पैक होके। भाई ये सारा सामान हम लाए इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, इसमें चाय भुजिया भुजिया जो मतलब नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर पे यहाँ पे न्यूजीलैंड में नहीं मिलती वो सब चीज़ें खरीद ली। और एक ये संटी भाई से मैंने सीखा था कि पानी की वाली बोतलें खरीदते रहो। तो ये थे आप $10 का पैक है पूरा, ये ₹500 की 24 बोतल, ठीक है 20 रुपये के हिसाब से। इंडिया में 10 की मिलती है, तो अमेरिका पता है कितने का पैक मिलता है ये? $2.5 का 24 बोतलों का, 10 सेंट की एक बोतल मिलती है अमेरिका में। हाँ यहाँ पे खाली बोतल वापस करो तो 10 सेंट मिल जाते हैं, ये करेंगे तो मिलेंगे मिल जाएंगे। $2.4 के लिए ₹120 मेरे से ले लियो। वो बेलपुरी कितनी है? 6 बोल ले ना, ठीक है मिल जाएगी कहीं और। चलो भाई अब चलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, अपनी वैन में सब सामान सेट सा करते हैं और निकलते हैं। ड्राइव में आपको बताऊंगा गाड़ी में बैठ के कितनी है आज। भाई ये आ गए हम न्यू वर्ल्ड सुपरमार्केट, ये पूरे न्यूजीलैंड में है, सिर्फ यहीं पे है मतलब न्यूजीलैंड में है। अच्छा ये पूरे न्यूजीलैंड में मिलेगी न्यू वर्ल्ड सुपरमार्केट, न्यू वर्ल्ड पैक एंड सेव और वूलवर्थ्स जिसका पहले नाम होता था काउंटडाउन। अच्छा ये ठीक है, हर जगह मिलेगा मतलब यहाँ का वॉलमार्ट मान लो एक तरह से, वॉलमार्ट से तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है किसी सुपर मार्केट का। तो यहाँ पे सारे नट्स हैं, इनको मतलब सब्जी जैसे खरीदते हैं ना यहाँ पे नट्स का भी सिस्टम है। और यहाँ पे जैसे भाई बता रहे थे ये नंबर लिखा है, इसको पन्नी पे लिखना पड़ेगा, ये पेन रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा पेन भी रखा हुआ है और ये नंबर 6069 है। तो अगर ये लेना है तो यहाँ पे नंबर लिख दो, वो अपने वेट चेक करके उसे वेट तो अपने हिसाब अपने लिए दे रखा है, ये वैसे चल ही नहीं रहा। अच्छा ऑन करना पड़ेगा, ये अपने लिए दे रखा है कि अरे आपने फाड़ दिया, कोई बात नहीं अगला बंदा यूज कर लेगा। नहीं करेगा न्यूजीलैंड वाला, वो कहेगा पता नहीं क्या है। नहीं आजूंगा ना बाद में दोबारा। अच्छा चलो आप ही ले लो कुछ। तो भाई न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हैं, यहाँ पे ज्यादातर एक्सपोर्ट भी डेयरी प्रोडक्ट्स करते हैं, इनका ही शायद एक्सपोर्ट का $11 बिलियन से कमाते हैं ये। तो भाई यहाँ देखो ये वाला दूध काफी फेमस बताया ईशान भाई ने, $7 का, पर अजीब सा ही लग रहा है यार मेरे को तो। ये गोल्ड भी है, गोल्ड वाला भी है, जर्सी मिल्क, जर्सी का होती होगी फिर ये, देख ले तेरे को जो समझ में आ रहा हो ले ले यार, ये मेरे को ट्राई करना है तो पी ले फिर ले 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 इनका फेमस वाला, एक दिन पी लेते हैं, नहीं पसंद आया फिर अगली बार नॉर्मल लेंगे। अंडे ले ले और ब्रेड ले लेता हूँ भाई। अंडे देख लो यहाँ पे कितने के आते हैं, संटी भाई और मैं जो लेते थे $10 के, कितने अंडे हैं ये, 10 मिक्स्ड एग्स हैं ये, $12 के हैं ये, 10 से कम के कोई नहीं है, नहीं 8 वाले भी हैं भाई। ये ले लिया इस सुपर मार्केट से, टॉयलेट पेपर वगैरह ले लिए, टिश्यूज वगैरह ले लिए, बाउल्स वगैरह ले ली, ये सॉस ले ली, मैं तो वही अंडा ब्रेड जो संडी भाई ने सिखाया वही बनाऊंगा, यहाँ देखते हैं कितना बिल आएगा। तो भाई यहाँ से कर ली, यहाँ बिल आया कुछ $101, तो $270 की तो हमने ग्रोसरी शॉपिंग कर ली अपनी इस ट्रिप के लिए, जो कि लगभग 11 दिन का ट्रिप रहेगा। तो ये थी न्यू वर्ल्ड सुपरमार्केट की पूरे न्यूजीलैंड में भाई। यहाँ पे बस एक चीज़ है, मानो आपको सिगरेट चाहिए, अल्कोहल चाहिए ना, और आप हो पर हो तीन चार लड़के जा रहे हैं, तो वो चारों की आईडी चेक करेंगे। अच्छा तो अगर आपने मानो लेनी भी है तो बंदा एक बंदा जाए अंदर, ऐसा भी सीन है सर। चलो कोई नहीं, वो सब तो नहीं लिया हमने। तो यहाँ पे वैसे ड्रिंकिंग एज क्या है न्यूजीलैंड में? 16। अरे 16 है तो भाई 25 वाले की क्यों आईडी मांग रहे हो? मांगते 16 वाला सकता है, मांग 25 वाले की आईडी रहे हो, नहीं थोड़ा रूल थोड़ा अजीब है पुलिस ऑफिसर सर है ना। भाई अभी के लिए सारा ये सामान यहाँ रख दिया जो जो मतलब बिखरने वाला नहीं था, दूध वगैरह थोड़ा फ्रिज व्रिज में रख दिया था, अंडे वगैरह रख दिए ताकि टूटे ना, एक दो चीजें यहाँ सेट कर दी थी, टिश्यू पेपर ब्रेड वगैरह। और बस अब निकलते हैं, ये टेबल हटानी पड़ेगी, बड़ा ताम जाम रहता है यार वैसे तो, पर पीछे वाले को बेल्ट भी दे रखी है। भाई आज की डेस्टिनेशन कुछ 90 किलोमीटर रह गई थी, पर भाई बहुत ही तेज सस्सू आ रहा था, मैंने कहा यार लगा ही ले किसी पेट्रोल पंप पे, देख ले न्यूजीलैंड के हाईवे के पेट्रोल पंप वगैरह कैसे हैं, और एक बार सुसु वगैरह करके ही चलते हैं आराम से। इस गाड़ी वाले ने गलत रोक रखी है बहुत ज़्यादा, नहीं सही है, पता नहीं आगे रूल्स क्या है क्या नहीं है, पर गलत सीन है ये रहा ना लिखा है, हाँ राइट लेना है। भैया पता नहीं कहाँ यार ये रेस्ट एरिया लिखा आ गया, और हम तो टाउन के किसी अंदर आ गए यार, बीपी का पेट्रोल पंप दिखा पार्किंग में लगाई,
ये देखो पार्किंग से कितनी बाहर है, टायर भी अंदर नहीं है। तो इन गाड़ियों का ना उसी पार्किंग में लगाना पड़ता है भाई जहाँ पे ट्रक पार्क होते हैं, ट्रक पार्क नहीं हो सकता। पर चलो कोई नहीं, हमको तो सुसु करके निकलना है, ना पेट्रोल भरवाना हमको, चल भाई जल्दी से निकल लेते हैं। भाई हम आ गए रोटोरुआ, रोटोरुआ रोटोरुआ पहुंच गए। ये लगभग 250 किलोमीटर है ऑकलैंड से। हम दो फ्री कैंपिंग्स पे गए भाई, बिल्कुल फुल खचाखच भरी हुई है कैंपर वैन से, लोग सोने लग रहे हैं। कम से कम 15 लोग सोने लग रहे थे एक में, और एक में शायद 10 एक सोने लग रहे थे। तो हमने यहाँ पे पेड़ वाला ही किया है, पेड़ वाले में लग गए 55 न्यूजीलैंड के डॉलर। मतलब पेड़ वाले में ये फ़ायदा रहता है कि आपको शावर टॉयलेट ये सब मिल जाएगा, फ्री वाले में सिर्फ पार्क करके सो सकते हो, वो सरकारी होती है प्राइवेट होती हैं। तो इनका भी रिसेप्शन बंद है, इन्होंने लिख रखा है कि सुबह आके अकाउंट सेटल कर लेना हमारे साथ, जो भी हो आपका अभी जो भी स्पॉट खाली मिले उस पर खड़ी कर दो। तो अभी वैन खड़ी कर दी हमने, आके दिखाऊंगा आपको क्या क्या फैसिलिटी है, ये है वो है। तो हमको मिल गए हैं मनवीर पाजी। हाँ जी, हाँ जी, पाजी मेरे को मिले थे 2019 में अमृतसर में। तो जब मैं करतारपुर गया था तो अमृतसर में मीटअप गया था, तो पाजी मिले, आप न्यूजीलैंड पहुंच गए आ रहे हैं आपको मिलने आ गया देख लो तो अभी पाजी यहीं रहते हैं। तो अभी हम कहाँ चल रहे हैं? हम अभी जा रहे हैं कुछ खाने। कुछ खाने का मतलब इंडियन? आपको खाना खिलाएंगे यहाँ का। चलो भाजी चलें। चलो भाई, यहाँ पे चोरी का इतना खतरा है, ये तो मतलब ऑकलैंड से काफी छोटा शहर है। पाजी की गाड़ी चोरी हो गई थी कितने महीने पहले? 3-4 महीने पहले। तीन वाली? अच्छा यही वाली। फिर पुलिस ने ढूंढ के भी दे दी। कुछ कीमती सामान भी था अंदर? सामान नहीं था, गाड़ी चोरी कर ली। अच्छा, तो ये बोल रहे आपकी ये वैन कैसी है, चाबी वाली है पुश स्टार्ट वाली? तो हमने कहा पुश स्टार्ट वाली, कहते फिर तो शायद चोरी ना होए। ये सबसे ज्यादा चोरी होती है इधर कई हमारे भाई, सारे वो जो खरीदी आज भेलपूरी वगैरह सारी चली जाए, चोर ले जाएगा मस्त खाएगा। वो ले जाए पासपोर्ट अपने ले लिया, यूएस वीजा जिसपे। चलो भाई चलते हैं। भाई मनमीर पाजी हमको यहाँ ले आए चिमनी इंडियन रेस्टोरेंट। देख लो भाई, हम ऑकलैंड से निकल गए, हर शहर में इंडियन रेस्टोरेंट और कई सारे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक है, कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं। तो भाई ये वाला रेस्टोरेंट वैसे तो खुला हुआ था, पर ये बोले हमारी ग्रुप बुकिंग है तो डाइन इन नहीं कर सकते, आप टेक अवे करवा लो। तो डाइन इन नहीं करना था यार, अब कौन मतलब जाके वैन में पैक करा के खाए, बहुत भूखे मर रखे हम, सुबह से कुछ नहीं खाया। दूसरे वाले पे चलते हैं। यहाँ पे मनवीर पाजी बता रहे हैं 25 रेस्टोरेंट है इंडियन, मतलब भाई यार 1 लाख की पॉपुलेशन नहीं होगी यहाँ की, 1-1.5 लाख मान लो, 25 इंडियन रेस्टोरेंट। लो भाई गाड़ी भी पार्क करने आ गया बंदा, हमको हटना पड़ेगा, सर पे चढ़ा दी। लो भाई आ गया खाना, चिकन टिक्का मसाला, चना मसाला और 4 गार्लिक नान। चलो भाजी, पाजी ने खिलाया था अमृतसर में 5 साल पहले खाना, यहाँ पे भी पाजी खिला रहे हैं। भाई यहाँ मनवीर पाजी ले आए अपने किसी फ्रेंड के इस पे कन्वीनियंस स्टोर पे, जहाँ पे क्या लिया है, प्रोटीन शेक परमवीर ने लिया है, मैंने लिए चाय लाते हैं। मतलब भाई अभी रात हो गई है और मनवीर पाजी चले गए हम कहाँ छोड़ के। हमने सोचा वैन को ना एक बार इस प्लग में कनेक्ट कर ही दें, क्या पता काम ही आ जाए। तो इनमें से कोई सा खुलेगा भाई जिसके अंदर तार है, खोलियो। ये भी होगा क्या? कुछ ये भी होगा ना, अच्छा दोनों को दबा, नहीं खुल रहा, देखिए हाँ यही तार है, इसको निकाल। अबे कितने जने से लाएगा, निकाल इस तार को। अरे जड्डा मर गया मन कर। भाई यहाँ बना दिया बेड, अब मैं सुबह समझाऊंगा कैसे बनाया है। ये बन गया, वैसे डबल बेड है ये, वो गद्दे हट जाएंगे तो पूरा डबल हो जाएगा, पर अब मैं अकेला सो रहा हूँ, परमवीर सोएगा वहाँ पे उस वाले बेड में ऊपर, मतलब ड्राइवर के ऊपर। और एक ये भी बेड बन जाता है पूरा, पर हमको जरूरत नहीं है तो ठीक है। सारे पर्दे नीचे कर दिए, तो बहुत मेहनत लग गई। और भाई बहुत ठंड हो रही है न्यूजीलैंड में, हमने इतनी उम्मीद नहीं करी थी, यहाँ आते ही कैसे ठंड हो गई समझ में नहीं आ रहा, 4-5 डिग्री हो रहा है। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे कल।